हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित। आप देख रहे हैं डेली ऑटो लाइफ। मारुति सुजुकी ने अपनी एक और गाड़ी सीएनजी में लॉन्च कर दी है। इंडिया में सबसे ज़्यादा गाड़ियां मारुति की हैं जो सीएनजी में बिकती हैं। तो नाम है ग्रैंड विटारा, काफ़ी प्रीमियम गाड़ी है। अभी लॉन्च हुई थी पेट्रोल में, अब सीएनजी में भी आ चुकी है। तो स्टार्टिंग से बात कर लेते हैं, जितनी भी डिटेल्स हैं इसके बारे में सभी की बात कर लेंगे, विथ फीचर्स, कौन से वेरियंट में क्या फीचर ये हमें देती है। पावर से स्टार्ट करें तो जो पेट्रोल में इनकी गाड़ी आती है, जो विदाउट सीएनजी वाली है, उस पेट्रोल की पावर सीएनजी के मुकाबले ज़्यादा है। ऑब्वियस सी बात हो, ज़्यादा होती है, लेकिन एक बात यह है कि जो पेट्रोल में जब हम चलाते हैं ना, सीएनजी वाली गाड़ी जो है, जब उसको हम पेट्रोल मोड में चलाते हैं, तो उसकी पावर भी ओरिजिनल मतलब नॉर्मल पेट्रोल वाली गाड़ी के मुकाबले कम रहती है। सेम केस टॉर्क के साथ भी है। टॉर्क तो लगभग मतलब दोनों पेट्रोल वालियों में सेम रहता है, लेकिन सीएनजी में वो भी कम हो जाता है। अब जो सीएनजी में चलाता है ना, उसके दिमाग में दो तीन चीज़ें ही रहती हैं, एवरेज कितनी देगी, बूट स्पेस हमें कितना रहता है, सेफ्टी क्या है, सीएनजी हमें कहाँ पर दिखेगी, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में दिखेगी, मतलब सीएनजी कितनी बची है, कितनी चल रही, मतलब वो बटन वटन कहाँ पर है, वही ज़्यादा चीज़ें हैं। बाकी पेट्रोल की गाड़ी तो हम देख चुके होते हैं। तो सबसे पहले बात करें, एवरेज की ही बात कर लेते हैं। 26.6 किलोमीटर पर केजी की एवरेज जो है क्लेम करती है कंपनी सीएनजी में। अब यहाँ से एक चीज़ और दिमाग में आ जाती है, वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ये मतलब उस पर इफेक्ट पड़ेगा कि नहीं। कौन सी बात है, जो इनकी स्मार्ट हाइब्रिड है उसमें तो इन्होंने सीएनजी दे दी है, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है ना, वो हमें एवरेज देती है लगभग 28 किलोमीटर पर लीटर के आसपास। वो आती है 3 से 4 लाख रुपये महंगी, और ये वाली गाड़ी है जो सिर्फ मतलब 1 लाख रुपये महंगी हुई है, ये एवरेज देती है हमें 27 के आसपास। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हमें एवरेज देती है 28 के आसपास। तो आप समझ रहे हैं ना, सीएनजी लेने में फ़ायदा ज़्यादा है। रही बूट स्पेस की बात, तो बूट स्पेस भी दोनों में लगभग सेम ही मिलेगा। इसमें सीएनजी का सिलेंडर आ जाता है, और स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में वहाँ पर जो हमारा बैटरी पैक है वो आ जाता है, बाकी कोई डिफरेंस ज़्यादा है ही नहीं। तो क्या लगता है आपको, जब ये सीएनजी आ गई है तो जो हमारी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड आती है उसकी सेल्स पर असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, या उसकी जो कस्टमर है वो एक अलग ही बेस कस्टमर होता है, वो सीएनजी की तरफ देखता ही नहीं है, वो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो अब फिर दूसरी बात कर लेते हैं, एवरेज की हमने बात कर ली है, दूसरी बात करते हैं इसका बूट स्पेस हमें कितना मिलने वाला है। अब 373 लीटर तो तब आता है जब ये नॉर्मल पेट्रोल मोड में आती है, सीएनजी नहीं आती है। सीएनजी मोड में कितना आएगा वो कंपनी ने रिवील नहीं किया है, मतलब लिखा नहीं है कितने लीटर बचता है, लेकिन ऑब्वियसली बात है कम तो हो ही जाएगा। बट ये गाड़ी लंबी है तो हमें फिर भी अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाएगा। दूसरी बात, इसमें जो है सिलेंडर भी, सीएनजी सिलेंडर जो है वो छोटा लगाया गया है, ये बड़ी अजीब बात मेरे को लगी। सिलेरियो है, वैगनार है, उनमें हमें 60 लीटर का सिलेंडर मिलता है, जिसमें 12 किलो गैस जो बोली जाती है ना, 12 किलो का सिलेंडर है वो वाला है। डिजायर थोड़ी बड़ी गाड़ी है, उसमें 55 लीटर का दिया है, जो 11 किलो का बोलते हैं। ग्रैंड विटारा भी बड़ी गाड़ी है, लेकिन इसमें भी छोटा सिलेंडर दिया गया है जो 11 किलो का होता है, जिसको 55 लीटर का बोल देते हैं। जबकि ओरा जो हुंडई की तरफ से आती है, उसमें 65 लीटर का दिया जाता है, जो 13 केजी का हम सिलेंडर बोलते हैं। अब एक चीज़ देखिए आप, वैगनार जिसकी एवरेज काफ़ी ज़्यादा है, 30 से अबव है, उसमें 60 लीटर का जो है सिलेंडर दिया गया है, और जो ये वाली गाड़ी अपनी ग्रैंड विटारा आ गई है, इसमें 26 की एवरेज है, मतलब उसमें 30 की एवरेज भी है और सिलेंडर भी बड़ा दिया गया है। इसमें एवरेज भी कम है और सिलेंडर भी छोटा दिया गया है, ये किस वजह से दिया गया है? आई थिंक इसी को कॉस्ट कटिंग बोला जाता है, क्योंकि मारुति अपनी जितनी भी सीएनजी गाड़ियाँ लाती है ना, पेट्रोल के मुकाबले 95,000 रुपीज़ वो ज़्यादा रखती है और सीएनजी उसमें इंट्रोड्यूस कर देती है। अब सिलेरियो है, वैगनार है, उनमें भी 95,000 रुपीज़ ज़्यादा लिए हैं पेट्रोल के मुकाबले, सीएनजी दे दी है, बड़ा सिलेंडर है। इसमें भी सेम केस किया गया है, लेकिन सिलेंडर छोटा कर दिया गया है, वही बात आ गई ना, श्रिंकफ्लेशन जिसको बोलते हैं, प्राइस वहीं पर रखो, साइज छोटा करते चले जाओ। तो यहाँ पर मारुति को और बड़ा सिलेंडर देना चाहिए था, ताकि कम एवरेज के साथ भी, औरों के मुकाबले कम एवरेज के साथ भी गाड़ी लंबी चली जाए। फिर एक और दिमाग में ये रहता है यार, इसका सीएनजी फ्यूल गेज कहाँ पर दिखेगा? तो इस मामले में ग्रैंड विटारा में काफ़ी अच्छी चीज़ कर दी गई है, हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ही एक साइड में सीएनजी की फ्यूल गेज मिल जाती है, एक साइड में पेट्रोल की फ्यूल गेज मिल जाती है, और साथ में उसमें सीएनजी का टाइमर भी दिखता है, इतनी देर से हमारी गाड़ी सीएनजी पर चल रही है, इतनी देर से पेट्रोल मोड पर चल रही है, और इतना कुछ, मतलब इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में ना और भी अच्छे तरीके से आपको सीएनजी के बारे में इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी।
अब कोई आपको हड़बड़ाहट नहीं है, बढ़िया जगह पर जो है बटन की प्लेसमेंट, आप उसको सिंगल क्लिक में मोड भी चेंज कर सकते हैं, वो काफ़ी बढ़िया बात है। फिर ग्रैंड विटारा में मिल जाती है दो वेरिएंट में, एक तो डेल्टा और एक जेटा, मतलब जो बीच के दो वेरिएंट है ना उन्हें मिल जाएगी। सबसे पहले डेल्टा मिलती है जिसका प्राइस है 12.85 लाख एक शोरूम है, ये एक शोरूम रहेगा सिटी के हिसाब से और स्टेट के हिसाब से इसके प्राइसेस जो है ऑन रोड प्राइस वो डिफरेंट रहते हैं। अब ये गाड़ी हमें ऑफ़र क्या करते हैं, मतलब कौन से फीचर हमें डेल्टा वेरिएंट में मिल जाते हैं, इसमें हमें मिलते हैं LED DRLs मिल जाएंगे, LED टेल लैम्प मिल जाते हैं, सुजुकी कनेक्ट है, रियर फास्ट चार्जर मिलेगा, ए और सी टाइप दोनों मिल जाते हैं, टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिल जाएगा, क्रूज कंट्रोल, पुश बटन स्टार्ट, ऑटो AC, रियर AC वेंट, 7 इंच की स्मार्ट प्ले प्रो स्क्रीन मिल जाएगी, 2 एयरबैग मिलेंगे और स्पीकर समय इसमें मिल जाते हैं 4। तो ये वाले फीचर्स जो मोटे मोटे फीचर्स हैं ये हमें डेल्टा मिल जाते हैं। जेटा भी आती है, जेटा इसके मुकाबले लगभग 2 लाख रुपए महंगी मिलती है, उसका एक शोरूम प्राइस है 14.84 लाख। अब वो और 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा में हमें क्या क्या दे देती है, छोटी छोटी चीज़ें तो काफ़ी सारी हैं, थोड़ी जो मेन है मोटी चीज़ें हैं वो आपको बता देता हूँ। जो हमें डेल्टा में मिल रहा है वो सब तो मिल ही रहा है, उसके अलावा हमें ऑटो हेडलैम्प मिल जाएंगे, रियर वाइपर वॉशर मिल जाएगा, उसमें 7 इंच की टच स्क्रीन थी इसमें 9 इंच की टच स्क्रीन मिलेगी, उसमें स्मार्ट प्ले प्रो था इसमें स्मार्ट प्ले प्रो प्लस साथ में मिल जाएगा, सेफ्टी इसमें अनाउंस हो जाती है, वहाँ पर 2 एयरबैग मिलेंगे, यहाँ पर 6 एयरबैग मिल जाते हैं, एलॉय व्हील्स भी इसमें मिल जाते हैं और 6 स्पीकर सिस्टम भी हमें जेटा में देखने को मिल जाएगा। और भी काफ़ी सारी जो है छोटी छोटी चीज़ें हैं जो इस गाड़ी को 2 लाख रुपए के जो प्राइस है वो जस्टिफाई थोड़ा बहुत कर देती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो वैल्यू फॉर मनी रहेगा ना अगर CNG में ग्रैंड विटारा लेना चाहते हैं तो वो डेल्टा ही रहेगा। आपको कौन सा लगता है वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस टाइप के और वीडियोज़ के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।